morning, student. Today I am going to explain you poem The Lateran Thorn, written by Pedroz. I have already provided you notes of this poem, so you must have read your notes. So let us start the poem. Keep your book before you so that you can learn each and every word, and later on WhatsApp you can take the doubts. Get it? The Lateran Thorn is silent, quiet, still. So Lateran Thorn. Now Lateran is what? Lateran is a short tree with hanging branches. It has yellow flowers and poisonous seeds. एक छोटा पेड़ होता है, उसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, येलो फ्लावर्स उसमें होते हैं, लेकिन उसमें जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. सो लैटरन टॉप इन साइड, जो पेड़ है इसकी हैंगिंग ब्रांचेस हैं, जैसे तो उसका जो टॉप है वो क्या है, बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल क्वाइट, स्टिल काम, शांत है. Up when in the afternoon, yellow September sunlight. Kab hogi shaam? Afternoon, dopahar, kisi dopahar mein? September sunlight. September sunlight, so month of the September. Ki September ki jo dopahar hai, usme jo lateran thorn hai, bilkul silent hai aur calm hai. Now, why is the poem here mention word yellow with September? So actually you know it well that in September there will be autumn season, and autumn season what happened to all the trees, they shed their leaves. When they shed their leaves, all the leaves converted into yellow first, then brown, then black. So यहाँ पर जिस मंथ की बात की जा रही है वो कौन सा है, सेप्टेम्बर. वो ऑटम्स सीजन है, पतझड़ का है. पतझड़ में क्या हो गया है कि जितनी भी लीव्स हैं लेवेंडर टॉप की वो क्या हो गई, येलो हो गई हैं. इसलिए यहाँ पर सेप्टेम्बर सनलाइट को क्या मेंशन किया गया है, येलो मेंशन किया गया है. अब टू लीव्स येलो, कुछ पत्तियाँ येलो हो चुकी हैं, और सीड्स कॉलम उसके सारे लीव्स, मैंने बताया था कि लेवेंडर टॉप के जो सीड्स होते हैं पॉइजनस होते हैं, तो सारे जो सीड्स हैं वो गिर चुके हैं. टिल द गॉडविंच नाउ एसोसिएट दिस लाइन विद दिस. क्या बताना चाह रहा है कि जो लेवेंडर टॉप है वो साइलेंट है, स्टिल है. कब तक है, जब तक गोल्डफिंच. नाउ व्हाट इज गोल्डफिंच, गोल्डफिंच एक स्मॉल बर्ड होता है जिसके येलो फिंच कर सकते हैं. जब तक जो गोल्डफिंच है कम्स विद अ चिरिंग 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 नोट दैट इट इज़ द साउंड प्रोड्यूस बाय द बर्ड्स, कि चिरिंग जो सडन शार्प जो साउंड होती है, तो गोल्डफिंच अपने साउंड के साथ जब तक वहाँ नहीं आता, वहाँ नहीं आता लेवेंडर ट्री के लिए आता, तब तक लेवेंडर ट्री जो है वो क्या है, क्वाइट है, बिल्कुल स्टिल है. यहाँ पर जो क्वाइट है इसका मतलब बिल्कुल होता है, कंप्लीट होता है. ये वाला जो क्वाइट होता है इसका मतलब शांत होता है, साइलेंट और स्टिल दोनों का सेम मतलब है, बिल्कुल शांत है. और सडननेस स्टार्ट एट ए ब्रांच एंड, क्या करता है गोल्डफिंच, जो ब्रांच की एंड है यानी कि पेड़ की जो टहनी है उस पर आकर अचानक से बैठ जाता है. देन स्लीक एज अ लिजर्ड, फिर एक छिपकली की तरह है. आपने देखा होगा ना कभी भी कि एक छिपकली क्या होती है, कि एकदम से विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एकदम से लकड़ी जो है वो अपने कहीं भी छिप जाती है, चाहे वॉल में हो, चाहे किसी वॉल में हो, सीलिंग में हो, है ना, वो छिप जाती है. तो एग्जैक्टली वैसे ही इसमें ये जो गोल्डफिंच बर्ड है वो एक स्लीप होता है, स्मूथिंग क्लोजिंग बहुत ही स्मूथिंग जो है वो उसमें सॉरी इसमें एंट्री कर जाती है. कैसे, एज अ रिजर्व एक छुपी की तरह अलर्ट है, बिल्कुल अब्रप्ट अचानक से. She enters the thickness, काम thickness यानी कि पेड़ की thickness, जो घना असर होता है पेड़ का, बहुत घना उस पार्ट में एंटर कर जाती है. एंड मशीन स्टार्ट, और जैसे ही वो एंटर करती है वैसे ही एक मशीन जो है चलना शुरू हो जाती है. नाउ मशीन के यहाँ पे दो सिग्नल कैंसर, फर्स्ट ये सिग्नल
सिंपलीफाई करता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा ना कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुई थी तो क्या हुआ था, जगह जगह पर मशीन सेटअप हुई थी, इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, मशीनों का यूज होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर ये जिस एज की बात की जा रही है, डेड मशीन जिस एज में ये पॉइंट लिखी थी, उस एज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो 100 पे था। अब यहाँ पर जो पोएम में मीनिंग है वो क्या है कि जैसे ही गोल्ड बर्ड उसमें एंटर करता है थिकनेस ऑफ द ट्री में, वैसे ही वहाँ पर शोर आना शुरू हो जाता है। मेयर गेस्ट अबाउट इट शो समझ में आ गया होगा आपको कि किस शोर के बारे में बात कर रहा है व्यक्ति, कि जैसे ही गोल्ड फिंच ने थिकनेस में एंटर किया, वैसे ही उसके जो नेस्ट में जो उसके बच्चे थे, ऑफस्प्रिंग्स थे, उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। तो मशीन स्टार्ट जैसे ही उनकी लाइफ से गई तो उनकी लाइफ भी उस पेड़ की तरह हो गई जो गोल्ड पिंच के
same. Now next हम बात कर रहे थे मशीन स्टार्ट से फॉर चिट्रीज. इसमें कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? इसमें बेटा मेटाफर है. Now what is the difference between the metaphor and simile? मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें दोनों चीज़ों को कंपेयर किया है तो simile है. मैं अब यहाँ पर बता रही हूँ इसमें भी दोनों चीज़ों को कंपेयर किया गया है. मेटाफर इज अगेन अ पोएटिक डिवाइस विच कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर. थिंग्स बोथ कैन बी पॉजिटिव नेचर. वन कैन ह्यूमन बी, अनदर कैन एनिमल और प्लांट. वन कैन लिविंग, अनदर कैन नॉट लिविंग. बट स्टिल देयर इज वन डिफरेंस दैट इज दैट इन सिंपली वी यूज एड और लाइक टू कंपेयर बोथ द थिंग्स. बट इन मेटाफर इट डायरेक्ट इम्पोज ओवर इट. आपको हिंदी में याद आ गया होगा उपकरण का. तो यहाँ पर देखिए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिल्ड्रन. इट मीन्स यहाँ पर जो मशीन स्टार्ट की है वो एक्चुअल मशीन नहीं है. यहाँ पर क्या है कि जो बर्ड्स हैं वो चिल्ड्रन कर रहे हैं, उनकी जो साउंड है वो मशीन के साउंड से कंपेयर किया गया है. दैट इज वाई यहाँ पर कौन सा है मेटाफर है. नाउ कम नेक्स्ट लाइन द होल ट्री कैम्बर ट्रैम्बल्स इन फिल्स. अब यहाँ पर ट्री को पर्सोनिफाई किया गया है. नो अबाउट पर्सोनिफिकेशन की प्रिवेंट वी एड्रेस एनी नॉन लिविंग थिंग्स एज अ पर्सन. वेन वी ट्रीट एज एनी नॉन लिविंग थिंग और नेचर एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन बींग देन इज पर्सोनिफिकेशन. मान भी कर लेकिन इंसान एक्साइटमेंट में कांपता है. यहाँ पर पेड़ जब पक्षी नाम पर गोल्डफिंच बर्ड नाम पर एंटर किया प्लेस में और उस पेड़ ने हिलना शुरू किया, उसमें वाइब्रेशन हुई, तो उनकी जो एक्टिविटीज है उनको कंपेयर उस मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया. यहाँ पर किसको ऊपर इम्पोज किया गया? ट्री. ट्री बिल्कुल कैसे काट रहा है? ह्यूमन बींग की तरह काट रहा है ना. तो यहाँ पर उसको पर्सोनिफाई किया गया है. ठीक है, तो ट्री इज पर्सोनिफाइड हियर. देन नेक्स्ट शांत हो गया है कामन एंड वाइकर. तो हम यहाँ पहले ही डिस्कस